आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि iPhone 12 Pro Max का कैमरा टेस्ट कहाँ है, क्योंकि 2023 की शुरुआत में मैंने 12 Pro Max को अपनी प्राइस के हिसाब से कैमरा के लिए नॉट रेकमेंड कर दिया था। लेकिन 2024 आने वाला है और इस टाइम इसकी प्राइस बहुत अच्छी देखने को मिल रही है हमें, और उसके साथ इसमें iOS 17 का अपडेट आ गया है जिसके बाद इसके कैमरा में काफी चेंजिंग आई, और इसके साथ आप 13 Pro Max की तरह सिनेमैटिक वीडियो, बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सारा कुछ आज इस वीडियो में डिटेल में टेस्ट करने वाला हूँ, इसका पोर्ट्रेट मोड वगैरह सब कुछ डिटेल में टेस्ट करेंगे। आप वीडियो पूरी देखिए, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे कि 2024 के लिए आपको iPhone 12 Pro Max को फॉर कैमरा पर्पस के लिए कंसीडर करना है या नहीं करना। इसकी बैक पे हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, तीनों कैमरा ही 12-12 मेगापिक्सल के हैं, एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, एक मेन लेंस और एक हमें 2.5x ऑप्टिकल लेंस देखने को मिलता है जो कि 65mm के ऊपर आपके पोर्ट्रेट्स क्लिक करता है। और फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें वीडियोग्राफी में HDR भी देखने को मिलता है। इसका कैमरा टेस्ट मैंने DSLR कैमरा के साथ भी किया है तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। अब आइए इसके कैमरा सैंपल दिखाता हूं आपको कैसे देखने को मिलते हैं। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें 4K 60fps के ऊपर हो रही है जहां पे इसका मेन कैमरा यूज कर रहा हूं, और आप देख सकते हैं कि यहां बैक साइड के ऊपर काफी ज्यादा हार्श लाइट है और ऑब्जेक्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कमाल की डिटेल मैनेज कर रहा है। तो ओवरऑल मेन कैमरा के साथ 4K के रिजल्ट तो बहुत हैवी देखने को मिल रहे हैं। एक बार चल के मैं आपको इसकी स्टेबिलाईजेशन भी दिखा देता हूं कि 4K के ऊपर आपको किसकी स्टेबिलाईजेशन देखने को मिलती है। इस टाइम मैं काफी तेज चल रहा हूं तो आप किसकी 4K स्टेबिलाईजेशन का भी आइडिया हो जाएगा कैसे देखने को मिलती है। और अगर आप इसकी मैक्सिमम जूम की बात करते हैं तो 4K के ऊपर आप सिर्फ 3x तक जूम कर सकते हैं और अल्ट्रा वाइड लेंस में शिफ्ट नहीं कर सकते। एक बार मैं आपको 1080p का रिजल्ट दिखाता हूं क्योंकि मोस्टली लोग 1080p के ऊपर यूज करते हैं। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 60fps के ऊपर हो रही है जहां पे एक बार आप फोकस देख सकते हैं कि आपको कैसा देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट फोकस है क्योंकि पहली बार रडार सिस्टम आया था iPhone 12 Pro Max के अंदर, और बाकी आप देख सकते हैं कि एक साइड से हार्श लाइट आ रही है और उसके साथ साथ शेडो एरिया वगैरह भी हैं, और यहाँ पे टॉप के ऊपर इस टाइम सूरज है तो आप देख सकते हैं कि लीव्स के ऊपर कैसी डिटेल को मैनेज कर रहा है। और एक बार मैं चल के आपको इसकी स्टेबिलाईजेशन भी दिखाना चाहूँगा, तो इस टाइम मैं काफ़ी तेज़ चल रहा हूँ तो आपको इसकी स्टेबिलाईजेशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी देखने को मिलती है। और अगर आप चेहरे की डिटेल की बात करते हैं मेन ह्यूमन ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैक साइड से हार्श लाइट है और ओवरऑल चेहरे के ऊपर अच्छी डिटेल है, और बैक साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नेचुरल ब्लड भी देखने को मिल रहा है इस जगह के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बड़ा लेंस है तो आपको वीडियोग्राफी में तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। और 1080p के ऊपर आप यहाँ अल्ट्रा वाइड लेंस में भी शिफ्ट कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप 7x तक आप मैक्सिमम जूम भी कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी बात देखने को मिलती है। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग इसके अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ 4K 60fps के ऊपर हो रही है जहाँ पे अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का एंगल आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ मैं एक बार आपको अपने बैक साइड पे हार्श लाइट ले आता हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बैक तीनों कैमरा के साथ 4K 60fps के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हो आप, और फ्रंट कैमरा के साथ भी आप 4K 60fps रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ओवरऑल काफी कमाल के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और एक बार आप स्टेबिलाईजेशन का अंदाजा लगाना चाहें तो यहाँ पे मैं काफी तेज भाग के दिखा देता हूँ आपको कि कुछ इस तरह की स्टेबिलाईजेशन भी देखने को मिलती है। अब तो ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग इसके 2.5mm के लेंस के साथ हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ऑडियो जूम का ऑप्शन भी देखने को मिलता है कि मेरी वॉइस किस तरह की देखने को मिल रही है, और बैक साइड पर हल्का सा आपको नेचुरल ब्लड भी देखने को मिल रहा होगा। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चल के आपको दिखा देता हूँ कि इसका फ्रेम शिफ्ट किस तरह का देखने को मिलता है, क्योंकि इस टाइम ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग 60fps के ऊपर हो रही है। तो आप इस तरह के इसके तीनों कैमरा से एग्जैक्टली सेम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता जैसे एंड्रॉइड फोन में देखने को मिलता है। और इसके अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ आप कुछ इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो जिसमें आपको थोड़ा सा फिश आई इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये वाली वीडियो मैं आपको कलर ग्रेड करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अगर इससे कुछ नेचुरल सीन वगैरह की फोटो बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा सैचुरेशन बढ़ाने के बाद। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग इसके फ्रंट कैमरा के साथ हो रही है 1080p 60fps के ऊपर जहाँ पे यहाँ पे हार्श लाइट आ रही है बैक साइड से, तो आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह का देखने को मिलता है। और एक बार मैं घूम के आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल हार्श लाइट है, मेरा चेहरा शेडो एरियाज में है, तो यहाँ पे तो ओवरऑल अब जाके इसकी कुछ HDR ने काम किया है। ओवरऑल फ्रंट कैमरा में HDR तो आपको जरूर देखने को मिलता है, लेकिन बैक साइड को ब्लॉन आउट ये जरूर कर रहा है। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्यों कर रहा है, शायद ये वाली चीज़ पहले नहीं थी जब iOS 16 था, बहुत अच्छा HDR था इसके फ्रंट कैमरे का। लेकिन अब iOS 17.1.2 के अपडेट के बाद HDR में कैमरे में स्ट्रगलिंग देखने को मिल रही है फ्रंट कैमरा के अंदर। अब अगर नेक्स्ट अपडेट आता है तो मैं आपको इसका कैमरे का रिजल्ट जरूर बता दूंगा कि आपको किस तरह का देखने को मिलता है, लेकिन पहले iOS 17 पे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था फ्रंट कैमरे का। अब मुझे HDR प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, मैं काफी निराश हूं फ्रंट कैमरे के साथ इसके।
12 Pro Max में आप 2.5x के ऊपर पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हो जो कि 65mm बनता है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही नेचुरल देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं बैक साइड जहां पे हार्श लाइट आ रही थी जैसे इस पिक्चर में, वहां भी अच्छे से मेंटेन किया है। तो ओवरऑल पोर्ट्रेट वाइज मुझे काफी ज्यादा पसंद आया यह फोन, खास तौर पर अगर आपने 2.5x के ऊपर पोर्ट्रेट्स क्लिक करनी है तो। चेहरे के ऊपर डिटेल बहुत कमाल की देखने को मिलती है, एज डिटेक्शन मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली है। iOS 17 आने के बाद जो एज डिटेक्शन की प्रॉब्लम थी वो भी मुझे हल होती हुई देखने को मिली है। तो ओवरऑल आप अच्छी पिक्चर क्लिक कर सकते हो 2.5x के ऊपर, उसके साथ आप 1x के ऊपर भी पिक्चर क्लिक कर सकते हो। ये वाले सैंपल आप 1x के देख रहे हो जिसमें आपको डायनेमिक रेंज कमाल देखने को मिलती है। जैसे कि ये वाली पिक्चर बहुत मुश्किल थी, यहां पे लीव्स वगैरह होते हैं ऐसी जगहों पे मोबाइलों की एंड हो जाती है, पिक्चर सही से नहीं लेते, HDR सही से काम नहीं करता। उसके साथ साथ बाकी जहां पे जैसे कि ये वाली पिक्चर है बैक साइड से फुल हार्श लाइट आ रही थी फिर भी अच्छे से मेंटेन किया है। बाकी हर तरह की लाइटिंग कंडीशन में पोर्ट्रेट में मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। आप पोर्ट्रेट्स के लिए इस फोन को जरूर कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद अगर नॉर्मल फोटोग्राफी की बात करते हो तो ये इसकी अल्ट्रा वाइड लेंस की पिक्चर है। ये वाली पिक्चर इसके मैंने नॉर्मल वाइड लेंस से क्लिक की थी और ये इसमें आप 2.5x के ऊपर क्लिक कर सकते हो और मैक्सिमम जूम इसमें आप 12x तक जा सकते हो। आईफोन 12 है तो 12x तक मैक्सिमम जूम करता है। ओवरऑल पिक्चर में अच्छी डिटेल देखने को मिली है, शेडो एरिया में आप देख सकते हो अच्छी डिटेल है, ज्यादा डार्क नहीं किया और बाकी HDR वगैरह अच्छे से काम कर रहा है। जैसे कि ये वाली पिक्चर अल्ट्रा वाइड मुझे यकीन नहीं आया कि इतनी अच्छी पिक्चर भी कोई फोन क्लिक कर सकता है, यहाँ पे बैक साइड से बहुत हार्श लाइट आ रही थी तो इसने अच्छे से क्लिक किया पिक्चर। ओवरऑल अल्ट्रा वाइड लेंस में फोन अच्छी पिक्चर तो क्लिक कर जाते हैं लेकिन जब कोई ह्यूमन ऑब्जेक्ट आता है तो उसको बिगाड़ के रख देते हैं, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। अगर आप सेल्फी की बात करते हैं तो सेल्फी भी आपको वाइड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है और क्लोज ऑफ का ऑप्शन भी देखने को मिलता है और उसके साथ साथ आपको पोर्ट्रेट्स भी अच्छा देखने को मिलता है। सेल्फी में भी अच्छे पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हो, अच्छी लाइटिंग कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। बाकी क्लोजअप शॉट्स की बात करते हैं तो क्लोजअप शॉट्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। लेंस साइज बहुत बड़ा है जिसकी वजह से ब्लर बहुत ज्यादा हाई किस्म का देखने को मिलता है और डायनेमिक रेंज भी आपको बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। टोटल पोर्ट्रेट वाइज और पिक्चर वाइज तो बहुत अच्छा फोन है, आप आंखें बंद करके 12 प्रो मैक्स को 2023 में कंसिडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ी स्लो मोशन की। रिकॉर्डिंग इस टाइम 12 प्रो मैक्स के साथ और आप बैक साइड पे ब्लर देख रहे होंगे जैसा आपको 13 प्रो मैक्स में देखने को मिलता है। कुछ ऐसी वीडियो आप 12 प्रो मैक्स में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। डिटेल कैमरा सैंपल देखे आपने आईफोन 12 प्रो मैक्स के, अगर तो आपने फोटोग्राफी करनी है तो आंखें बंद करके इस प्राइस में इससे बेहतर फोटोग्राफी कोई फोन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तीनों चारों कैमरा में आपको नाइट मोड देखने को मिलता है, हर किस्म की लाइट कंडीशन में कमाल HDR काम करता है इस मोबाइल का। मैंने इतनी ज्यादा पिक्चर के सैंपल आपको दिखाया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और मैंने खुद भी बहुत सारी पिक्चर क्लिक की है, हर तरह की लाइटिंग सिचुएशन में अच्छे से काम किया इसने। अब अगर आप वीडियोग्राफी की बात करते हो ना तो सिर्फ एक ड्रॉबैक देखने को मिला है, जो कि चीज के लिए, जिस चीज के लिए मैं 12 सीरीज को बहुत ज्यादा रेकमेंड करता हूं, वो है इसके फ्रंट कैमरा में कमाल का HDR मोड होना। लेकिन iOS 17.1.2 का अपडेट आने के बाद फ्रंट कैमरा के HDR मुझे स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिला है। हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा इंप्रूव हो जाए। बाकी अगर आप कैमरा वाइज इस टाइम 12 प्रो मैक्स को कंसीडर करने का सोच रहे हो तो आप आंखें बंद करके कंसीडर कर सकते हो। बाकी इसी प्राइस में हमें iPhone 14 देखने को मिलता है, दूसरी साइड पर हमें iPhone 13 Pro देखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट थोड़े से ऊपर पैसे डाल के। तो मेरा ख्याल में अगर आपने 14 से बेहतर है, 13 से बेहतर है ये कंसीडर कर लो, लेकिन अगर आपको 14 Pro मिल रहा है और आप थोड़े से पैसे ऐड कर सकते हो, सॉरी 13 Pro मिल रहा है आप थोड़े से पैसे ऐड कर सकते हो, तो 13 Pro ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है 12 Pro Max के निस्बत। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इसका रिजल्ट कैसा देखने को मिलता है। बाकी इस तरह की वीडियो मैं चैनल पर डालता रहता हूं, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।